दुनिया भर में पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आज लगभग सभी लोगों के अकाउंट्स हैं। मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली दिग्गज कंपनी फेसबुक ने शेयर मार्केट में सोमवार को एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पहली बार फेसबुक का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया। कंपनी के शेयर 4.2% के उछाल के बाद $355.64 पर पहुंच गए। 1,00,000 करोड़ डॉलर के मार्केट कैप को पार करने वाली फेसबुक यूएस की 5वीं कंपनी बन गई। इससे पहले एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल ने इस आंकड़े को पार किया था। दरअसल यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन और कई राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने फेसबुक के खिलाफ एंटी ट्रस्ट संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सोमवार को इन्हें खारिज कर दिया गया, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। फेसबुक के यूजर बेस और एवरेज रेवेन्यू के आधार पर लगातार यूजर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। 27 जुलाई 2018 के बाद से कंपनी का स्टॉक 90% से ज्यादा बढ़ चुका है। कंपनी का हार्डवेयर बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। कंपनी पोर्टल, वीडियो कॉलिंग डिवाइस, ओकुलस वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट्स और स्मार्ट ग्लासेस बना रही है, जो इसी साल रिलीज होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव करने और मार्केट में खुद को मजबूती से स्थापित रखने की वजह से निवेशकों का कंपनी पर भरोसा बढ़ा है, जिसके चलते फेसबुक के शेयरों में बढ़ोतरी हो रही है। फेसबुक की सारी कमाई पर्सनलाइज विज्ञापनों से होती है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स को दिखाए जाते हैं। बता दें कि फेसबुक का IPO मई 2012 में आया था। उस वक्त कंपनी ने $104 अरब के मार्केट कैप के साथ बाजार में डेब्यू किया था। अब ये $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। हालांकि 2018 में कंपनी के रेवेन्यू में 19% की गिरावट देखने को मिली थी। उस समय फेसबुक पर डेटा लीक्स, फेक न्यूज और खासकर कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। इससे कंपनी की शाख को नुकसान जरूर पहुंचा था, लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने दमदार वापसी करके कामयाबी हासिल की है।